नमस्कार, मैं अनुराग सिंह, आप देख रहे हैं मीडिया दरबार। भारतीय फिल्म जगत के कलाकारों को आज देश दुनिया में हर कोई पहचानता है, जिसमें कईयों को तो बाहर देशों में काम करने का मौका भी मिला है। लेकिन हाल ही में कई विवादों और बयानबाजियों का हिस्सा रह चुकी ये इंडस्ट्री एक बार फिर सुर्खियों में बनी हुई है, जिसकी वजह मशहूर गीतकार और लेखक जावेद अख्तर की तरफ से आया एक बयान है, जिसके चलते वो एक बार फिर हिंदू मुस्लिम बहस का हिस्सा बन चुके हैं। तो आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला हमारी इस खास रिपोर्ट में। बॉलीवुड के कई कलाकार अपने दिए बयानों को लेकर हर बार दुनिया की नज़रों में आते रहे हैं, जिसमें जावेद अख्तर का नाम अक्सर सुनने को मिलता ही रहता है। तो वहीं इस बार भी मशहूर गीतकार और लेखक जावेद अख्तर ने भारत के हालातों को लेकर एक बड़ा बयान दिया है, जिसमें उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS की तुलना तालिबान से कर दी, जिसके बाद से कई लोग जावेद अख्तर के इस बयान का विरोध कर रहे हैं। दरअसल ये बयान मशहूर गीतकार जावेद अख्तर ने एक इंटरव्यू के दौरान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा, RSS का समर्थन करने वालों की मानसिकता भी तालिबानियों जैसी ही है। RSS का समर्थन करने वालों को आत्म परीक्षण करना चाहिए। इसके आगे उनका कहना था कि आप जिनका समर्थन कर रहे हैं उनमें और तालिबान में क्या अंतर है। उनकी ज़मीन मजबूत हो रही है और वे अपने टारगेट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। दोनों की मानसिकता एक ही है। जिसके बाद से कई लोगों ने इस बयान का विरोध करते हुए उनके घर के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। इसमें प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जावेद अख्तर कैसे तालिबान की तुलना RSS से कर सकते हैं, उन्हें माफ़ी मांगनी होगी। यह बहुत ही शर्मनाक है कि इतना पढ़ा लिखा आदमी इस प्रकार की बात करता है। इस प्रकार के बयानों से उन्हें बचना चाहिए। साथ ही भाजपा के कार्यकर्ताओं में भी इस बयान को लेकर काफ़ी आक्रोश है और उन्होंने जावेद अख्तर के इस बयान की निंदा की है। आपको बता दें, अभी कुछ समय पहले ही नसीरुद्दीन शाह का भी एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वो भारत में तालिबान की जीत का जश्न मनाने की बात को गलत बताते हुए भारत में हालातों को तालिबान से बेहतर बता रहे थे। गौरतलब है कि नसीरुद्दीन शाह भी पहले जावेद अख्तर के जैसे डर के जीने वाले लोगों में से एक थे, मगर हाल ही में अफगानिस्तान में काबिज हुए तालिबान के कारनामों को देखने के बाद शायद उनको डर की असली परिभाषा समझ आ गई होगी। वैसे ये बात जावेद अख्तर को समझनी चाहिए कि अफगानिस्तान में लोग तालिबान के खिलाफ बोलने की हिम्मत तक नहीं कर पाते हैं। लेकिन अब ये देखा जाएगा कि ये बात जावेद अख्तर को आखिर कब तक समझ आती है। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। आगे की सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए मीडिया दरबार के साथ।